मुझे आपसे कुछ तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। पर मुझे आपसे बात करनी है। करेंगे करेंगे बात, लेकिन यहाँ नहीं। तैयार हो जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। आओ कृष्णा, कम। कृष्णा और आर्यमन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और ये सारी चीजें देख कर ना भाई अनन्या को बहुत गुस्सा आता है। अनन्या आती है और प्लेट वगैरह तोड़ देती है और चिल्लाती है जोर से कि तुम लोग यहाँ पर रोमांस कर रहे हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई। और यहाँ पर हमने पहले भी देखा है ना भाई किस तरीके से अनन्या ने क्या कुछ नहीं किया है। जब ये जगह, ये सजावट, ये सब क्या है? आर्यमन सिर यहाँ क्यों लाया है? मुझे क्या बात करनी है उन्हें मुझसे? मुझे भी तो इन्हें इतना बड़ा सच बताना है, क्या करूँ मैं? इससे पहले आर्यमन सर कुछ बोले, मैं इन्हें मोहन का सारा सच बता देती हूँ। वो परिक्रमा ले रही थी तब उसने कृष्णा के पैर में लगा दी थी, आर्यमन ने उसको गोद में उठा के परिक्रमा पूरी की थी। कितनी बार उसने नाटक किया है। और हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था कि भाई मोहन के साथ भी सारी चीजें हुई थी, मोहन का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर। आर्यमन सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात फिर तुम्हारी। ये गिफ्ट खोलो कृष्णा, ओपन द रेस्ट। उसको कॉलेज में पार्टिसिपेट करना होता है और जिस तरह की उसने ड्रेस बनाई होती है ना वो पहनकर मॉडलिंग करनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पर यहाँ पर भाई जो कृष्णा होती है ना वो उसकी सार्थक बनती है और कॉलेज में वो ड्रेस पहनकर मॉडलिंग करती है और उसके लिए बहुत प्यारी सी स्पीच भी देती है। अरे सर, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है कृष्णा। जिसे देखकर ना मोहन को बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर दोनों बहन भाई एक दूसरे के दोबारा फ्रेंड्स बन जाते हैं। हम देख ही रहे थे ना भाई कैसे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा ने बोल दिया था मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, अगर आर्यमन को पता लग गया तो क्या कुछ होने वाला है, आर्यमन ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है और तुम जो ये सपना अपना पूरे करने की बात कर रहे हो ना ये नहीं हो सकता। तो फिर मोहन के लिए लेकिन भाई यहाँ पर वो सपना पूरा कर देती है और जो ड्रेस उसने बनाई होती है वो पहनकर वो मॉडलिंग करती है। पर भाई अब यहाँ पर अनन्या का फिर नाटक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और वो कहती है कि अरे ये तो कृष्णा और जो आर्यमन है रोमांस कर रहे हैं। सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है और यहाँ पर भाई जो आर्यमन की माँ है ना वो भी बोल देती है कि हाँ ठीक है ना, तुम सब कुछ ठीक करो आर्यमन, और तुम अब ठीक है, इसको मना कर दो, यहाँ से कृष्णा को निकाल दो। लेकिन यहाँ पर कृष्णा को वो नहीं निकालता और बोलता है कि कृष्णा कोई नौकरानी थोड़ा ना, मैंने शादी की है उससे और मैं ऐसे नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। और अनन्या तुम एक काम करो, तुम मूव ऑन करो, मैं तुमसे प्यार तो करता नहीं हूं, वैसे भी मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है जो तुम समझती हो। अब यहां पर अनन्या इस बात को और बतंगड़ बना देती है और बोलती है कि ठीक है अब तो तुमने बोल दिया ना आर्यमन, तो अब मैं देख लूंगी तुमको। तो अब यहां पर अनन्या के पापा भी बोलते थे कि भाई अब प्रॉपर्टी का हिस्से का टाइम आ गया है और अब देखते हैं किस तरीके से यहां पर जो एक फैमिली बनी हुई थी, जो बॉन्डिंग थी सबके बीच में, क्या वो कृष्णा और आर्यमन की वजह से टूट जाएगी।